गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बूंदे। ओके, लेसन नंबर टू बूंदे। मैंने पेज ये यहाँ पे शेयर किया है स्क्रीन। आप लोगों को सबको बराबर दिख रहा है? ओके, सो हम लोग आज अभी ये लेसन नंबर टू पेज नंबर फोर बूंदे। सबसे पहले चीज हमें इसका मीनिंग पता रहना चाहिए। बूंदे मींस क्या? बूंदे ये होती है, जब भी बारिश आती है तो बारिश का जो पानी गिरता है उन्हें बूंदे कहते हैं। ये चीज सिर्फ बारिश में ही नहीं होती है, जब कहाँ पे भी बहुत ज्यादा ठंड भी होती है तो ठंडी के टाइम पे भी हरी हरी घास पे हमें ओस की बूंदे दिखाई देती है। बूंदे मीन्स अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी का एक बूंद। तो बारिश, जैसे कि अभी यहाँ पे भी बारिश का मौसम है, अभी मॉनसून सीजन स्टार्ट हो गया है तो बारिश गिरती है, बारिश का पानी गिरता है, बच्चों को सबको बहुत मजा आता है क्योंकि हमें एक गर्मी से, जब गर्मी के बाद में जब बारिश का मौसम आता है तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि गर्मी में जो भी धूल वगैरह रहती है वो भी सारी दब जाती है, और जो गर्मी हमें बहुत तंग करती है, परेशान करती है, तो उससे भी हमें थोड़ा ठंडापन मिल जाता है जब भी बारिश शुरू होती है। तो बूंदे यानी जो आसमान से गिरती हैं पानी की बूंदे, बारिश, आज हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज मैं दो स्टैंजास पढ़ती हूँ। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। रिम झिम, बारिश जब भी आती है तब हम कैसे कहते हैं? रिम झिम, ठीक है। मतलब एक, कभी भी अगर हमने थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर हमने सुना तो बारिश की जब बूंदे गिरती है ना, तो उनमें भी एक आवाज रहती है, वो आवाज भी बहुत मधुर और मीठी लगती है, उनकी बूंदे भी बहुत प्यारी लगती है। जैसे ही गर्मी खत्म होती है और बारिश जैसा शुरू होता है, तो जब वो धरती पे बूंदे पानी की जब गिरती हैं तो इतनी धरती पर सौंधी सौंधी खुशबू उठने लगती है। तो बारिश जब गिरती है, बारिश का जो पानी जब बूंदों की तरह में गिरता है धरती पर, तो धरती पर है आती बूंदे, यानी रिम झिम, यानी ड्रॉप, हर एक ड्रॉप, हर एक पानी की बूंद एक गीत के समान धरती पर गिरती हुई आती है। ठीक है, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। जब बारिश आती है तो सभी जो खेती करने वाले रहते हैं उनको भी यही रहता है। क्यों? क्योंकि हमें बारिश की पानी की सख्त जरूरत रहती है। गर्मी इतनी रहती है कि हमारे सभी नदियां सूख जाती हैं, पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। तो जैसे ही हमें इन सब समस्याओं से छुटकारा मिलता है, बारिश का जब मौसम आता है, अपने साथ बरसात पानी लेके आती है, सबका मन खिला खिलासा हो जाता है। क्यों? क्योंकि फसलों को पानी मिल जाता है, खेतों में बहुत सारा पानी होता है। तो जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है, अभी जैसे ही बारिश का सीजन स्टार्ट होता है, रेनी सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है, तो हमारे फार्मर्स बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। वो अपने खेतों में सीड्स, जो सीड्स होते हैं वो बो देते हैं, मतलब खेतों में वो लगाते हैं ताकि अच्छे से खेत खिलखिला उठेंगे। फिर उनको पानी दिया जाता है, तो पानी कैसे देंगे अगर हमारे
कईयों के पास में आजकल बहुत सारे फार्मर्स ने अपने खेतों के सामने में कुएं भी खोद रखे हैं, बोरवेल्स करके रखा है, लेकिन तो भी जब बारिश का पानी जो पहुंचा सकता है पानी, वो हम आर्टिफिशियल नहीं दे सकते। कई हमारे फार्मर्स, कई हमारे किसान सिर्फ बारिश के पानी पे ही डिपेंड है। तो बारिश आना इतना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये हमारे जो सीजन्स हैं, सीजन वाइज सीजन चलते रहना ही चाहिए। अगर सीजन बाय सीजन नहीं चला तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे ही हमारे फार्मर्स को खेतों के लिए, क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ पूरी एक फार्मर के ऊपर डिपेंड रहती है। जब फार्मर खेतों में बीज बो देता है, सीड्स बो देता है, बीज यानी सीड्स वो बो देता है, बारिश गिरती है, फसल उगती है, फसल उगने से फिर वो धान उगती है, उसका हमें बहुत सारा अनाज मिलता है। तो यहाँ से हम सबको मतलब खाने के लिए भी हर एक चीज उपलब्ध होती है, हमें प्रोवाइड होता है। तो सारा चीज हमें खेतों के ऊपर, हमारा पूरा जो ह्यूमन बीइंग है डिपेंड है, और रहना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग फार्मर्स बहुत बेचारे, पानी के कारण अगर बरसात बराबर नहीं हुई तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो खेतों को पानी बहुत जरूरी है। बागों मींस आज कई जनों के पास में बाग हैं। बाग किसके रहते हैं? जैसे अनार के बाग, आम के बाग, कई फल फ्रूट के बाग, वो सारे एक बाग रहते। खेत में मींस खेतों में अनाज उगाया जाता है, जैसे गेहूं, जवारी, बाजरा, चावल, ये खेतों में उगाया जाता है। और बागों में उगाया जाता है, तो बागों का मतलब समझ गए आप लोग। बागों मींस जहाँ पे हम लोग अनार फल फ्रूट उगाए जाते हैं, वो एक अंगूर का बाग, जैसे नासिक में बहुत ज्यादा अंगूर के बाग हैं, तो यही चीज बागों में उगाए जाते हैं। मैदानों में, मैदान मींस जहाँ पे हम खेलने जाते हैं, जहाँ पे कई लोग वॉकिंग करने आते हैं, ओपन प्लेस, ग्राउंड्स। तो आपको समझ में आ गया, खेतों, बागों, मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें। हरियाली मींस जब फार्मर को अभी पता चलता है कि अब बस अभी ये सीजन शुरू होने वाला है, तो वो बीज बो देता है। तो बीज जैसे ही बो देता है, बारिश आती है, तो वो धीरे धीरे प्लांट ग्रो होता है। तो वो कैसे हो जाते? पहले ग्रीन ग्रीन रहता है पूरा, हरियाली मींस पूरा ग्रीन, स्प्राउट्स जैसे निकलते, फिर प्लांट ग्रो होता है, तो वो सारी चीज हरिया कलर का रहता है। हरियाली फैलाती बूंदे, बागों में भी सेम चीज ऐसे ही होता है। अब सवाल आता है मैदानों में, मैदानों में ऐसा होता है कि जैसे ही बारिश का पानी गिरते रहता है, तो जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं या छोटी छोटी ग्रास रहती है, वो गर्मी की सीजन में पूरा येलोइश हो जाता है, क्योंकि पानी नहीं रहता और धूप इतनी तेज रहती है, तो वो सारे ड्राई हो जाते, सूख जाते हैं। जैसे ही बारिश आती है, जैसे ही बारिश की बूंदे आती है, तो पूरा हरा हरा हो जाता है। तो मैदानों में जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, जो जीवित प्लांट्स रहते हैं, वो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि उनको पानी मिलता और इतनी कड़ाके की धूप से भी छुटकारा मिल जाता, ठंडा ठंडापन लगता है। जैसे बारिश की पहली पहली बूंदे गिरती है, तो हम बच्चों को भी बहुत मजा आता है कि हम बारिश में खेलें, कूदें, जंपिंग करें। हम सभी बच्चे कई बार क्या करते हैं, जैसे हमारे घर के सामने से बहुत पानी जाता है, ऐसा नाला भर भर के पानी जाता है, तो हम क्या करते हैं, पेपर की छोटी छोटी बोर्ड्स भी बनाते और वो भी हम उसके ऊपर में फ्लोट करते, तैरने लगाते हैं। फिर हम देखते हैं किसकी ज्यादा दूर तक वो पानी की, वो पेपर की बोट जाती है। करते हैं ना आप लोग भी? यस।
अभी जैसे रेनी सीजन स्टार्ट हुआ है ना, आप सब लोग भी एक एक बार जरूर करके देखना, ठीक है? तो हम सभी जन बहुत एंजॉय करते, तो हमारे लिए पानी बहुत जरूरी है। तो जब मैदानों में वो छोटे छोटे प्लांट्स को बारिश का पानी मिलता है, ग्रास को मिलता है, तो सब हरा हरा हो जाता है, और वो ग्रास जो है, वो जो घास जो है, बहुत अच्छी उग जाती है, बहुत अच्छी ग्रो कर जाती है। तो खेतों, बागों, मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, बूंदों से ही हरियाली फैलती है। हम पूरा ग्राउंड इतना बड़ा रहता है, हम कहाँ से इतना पानी लाएंगे? तो वो सारे पूरे प्लांट्स, ग्रास जो भी है, पूरे येलोइश हो जाते हैं। तो ये सारा हरियाली कौन फैलाता है? बारिश की बूंदें। जब उनके ग्राउंड मैदान में भी जब बारिश आती है, तो वो बूंदें जब गिरती हैं, तब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है। आप भी अपने आसपास में, अगर आपके भी गार्डन वगैरह या ग्राउंड वगैरह होगा, तो जरूर एक बार देखना, ठीक है? धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदें। अब धरती, धरती यानी हमारा अर्थ, हमारी धरती पे कई नाले हैं छोटे छोटे। वो सब नाले कैसे हो जाते? गर्मी की टाइम पे सारे सूखे वगैरह रहते हैं, जब पानी आता है सब भर भरा जाते हैं, एकदम एकदम फुल। और फिर वो नालों का पानी कहाँ जाता है? नदियों में। नदियां मीन्स रिवर्स में। और रिवर्स का वाटर कहाँ जाता है? ये पूरा एक सर्कल है बेटा, ये कहाँ जाता है? पूरा सागर। सागर मीन्स समुन्दर में जाता है। तो कैसे होता है? धरती पे जब बारिश की बूंदें गिरती है, तो ये हमारा पूरा 3-4 महीना बारिश का शुरू रहता है। ये पूरा बारिश का शुरू होता है, जून से शुरू रहती, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, ठीक है? ये पूरा बारिश का मौसम है, बहुत अच्छा बारिश का मौसम। अच्छी बारिश आई तो सभी नाले हमारे बहुत अच्छे से पानी से भर जाते हैं, किसानों को फसलों के लिए बहुत अच्छे से पानी मिलता है, चारों तरफ हमें हरियाली ही हरियाली दिखती है। तो नालों का जो पानी रहता है, जब वो नाले पूरे भरने लगते हैं, तो वो नालों का पानी जाता है नदियों में, और वो नदियों का पानी, नदियां भी पूरी ऐसे भर भर के बहने लगती है, और उनका पानी जाता है सागर में। सागर मीन्स समुन्दर में। और ये सब जाके वहां पे मिल जाता है। तो यहाँ पे कवि हमें यही कह रहे हैं कि धरती से नालों, नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदें। किसकी बूंदें? बरसात की ये बूंदें। क्यों? क्योंकि ऐसे तो वो नाले नदियां भरती नहीं है, जब तक बरसात की बूंदें पूरी बारिश बनकर नहीं आती हैं धरती पर, तब तक ये चीज नहीं होती है, ठीक है? अब गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। गर्मी से, गर्मी इतनी भयंकर होती है, इतनी तेज होती है, कि हम सबको लगता है बस अब ये गर्मी का सीजन खत्म हो जाए, ताकि हमें थोड़ी सी ठंडक मिले। शीतलता मीन्स थोड़ा ठंडापन। शीतलता का मतलब क्या है? ठंडापन। गर्मी से तपते लोगों को, गर्मी आती है तब बहुत, हाँ हम बच्चों बहुत तभी भी एंजॉय करते। कैसे एंजॉय करते? क्यों? क्योंकि हमें गर्मी की छुट्टियां लगती है स्कूल की, तो हम सब हमारे नाना नानी दादा दादी के पास जाते हैं, खूब मजे करते हैं वहां पे, और हम सब अच्छे से एंजॉय करके आते हैं। और फिर उसके बाद, लेकिन थोड़े दिनों के बाद हमें महसूस होता है कि अब ये बहुत ज्यादा गर्मी है, इससे हमें छुटकारा मिलना चाहिए, है ना? यस। तो गर्मी से तक लोग बहुत परेशान होते, और गर्मी का टेम्परेचर इतना ज्यादा रहता है कि हम बाहर भी नहीं निकल पाते, हम बिल्कुल रोड्स तक तो जा ही नहीं सकते, पूरा हीट ही हीट रहता है। तो उससे हमें ठंडक कौन देता है? हमें देता है बारिश की ही बूंदें। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें, हमें ठंडापन ये बूंदें ही देती है, ठीक है?
मेंढक मोर पपी है कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। मेंढक अब आपने देखा होगा, ठीक है, मेंढक मींस फ्रॉक्स, मोर मींस पिकॉक। आपने देखा होगा जब बहुत तेज बारिश होती है तो जो फ्रॉक्स रहते ना वो टर 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 करके बाहर निकलते हैं, ठीक है, बाहर निकलते हैं। और मोर जब बारिश होती है, मोर सबसे ज्यादा, मोर कौन है आपको पता है? मोर, यस, नेशनल बर्ड। तो मोर ऐसा नाचने लगता है, डांस करता है मोर, और बहुत अच्छी तरीके से नाचता है, अपने पूरे पंख फैला के नाचता है। और मेंढक क्या करता है? वो बाहर निकलता है, ठीक है। अब पपीहा मींस कुकू, पपीहे मींस कुकू, कोयल मींस वो भी एक कुकू है, लेकिन पपीहे और कोयल, कोयल मतलब ईगल, ठीक है। तो मेंढक यानी फ्रॉग, मोर, पिकॉक, पपीहा, कुकू, कोयल, ईगल, ओके। मैंने आपको ये सब इंग्लिश में भी बताया है। तो ये सारे जो हैं सारे बाहर निकलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आप ये पिक्चर भी देख सकते होंगे, है ना, बर्ड्स देखो एक ट्री के ब्रांच के ऊपर बैठ के कुकू कुकू कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे ट्रीज कितने अच्छे से मस्त से रिलैक्स हो रहे हैं, ये बारिश की बूंदे कैसे हंस रही है, ये बूंदे देखो, और ये क्लाउड्स, यस। और यहाँ पे इस पिक्चर में देखो हम कैसे बच्चे लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं ना बारिश की बूंदों में, ये छोटे छोटे फ्लावर्स, मजा आ रहा है ना, यस। हम सबको मजा आता है क्योंकि बारिश का सीजन ही वैसा है। फिर तो मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे, हम सब खुश हो जाते। जैसे मैंने आपसे कहा कि मोर अपने पूरे सतरंगी अपने पंख फैलाकर खूब जोर जोर से नाचता है, इतना खुश हो जाता है वो कि उसकी खुशी मतलब हम देख के ही बहुत अपने आप को खुश कर लेते हैं, हमारा मन भी खुश हो जाता है जब हम इन सबको देखते हैं। ये देखो यहाँ पे कुकू और कोयल दोनों कैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं बारिश की बूंदे पाकर। और यहाँ पे मोर जो है वो भी नाचने लगता है। तो सबका मन हर्षाती बूंदे, सबका मन हर्षाती बूंदे, हर्षाती मतलब खुशी देती हैं, हर्षाती मतलब खुशी देती हैं हमें ये बारिश की बूंदे, ओके। पुरवाई, पुरवाई के रथ पर चढ़कर, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक पिक्चर दिखाना भूल गई, वो ये है देखो मेंढक का कैसे कैसे होता है। वो लोग क्या एक पॉन्ड में रहते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रॉग ऐसा है कि वाटर में भी रहता है और बाहर भी रहता है। तो ये कैसे करते हैं मालूम है क्या? फ्रॉग का ऐसा रहता है कि जैसे ही बारिश वो देखते हैं वो भी आवाज करते करते ऐसा जंपिंग करते करते बाहर आते हैं, क्योंकि वो भी उस चीज का मजा लेते हैं बूंदों का। अब पुरवाई, पुरवाई का मतलब आपको पता है? मैं बताती आपको, पुरवाई मतलब ईस्ट विंड्स, जो विंड्स आती है। तो यहाँ पे हमें पोएट बता रहे हैं, हमारे कवि बता रहे हैं, रोहिताश्व अस्थाना, वो बता रहे हैं कि पुरवाई मतलब विंड्स जो ईस्ट की तरफ से आती है, ठीक है, जो पूरब की तरफ से आती है, जो ईस्ट, पुरवाई के रथ पर चढ़कर, रथ यानी चैरियट, जो रथ पे, हालांकि यहाँ पे सिर्फ ऐसा दर्शाया गया है कि जो विंड्स ऐसे आती हैं, इठलाती मुस्काती बूंदे, इठलाती मींस मतलब कभी कभी कठोर, कभी मुस्कुराती, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी नॉर्मल, जैसे कभी बहुत ज्यादा कोई भी साइड से ऐसे रेनफॉल होता है,
उसका कोई साइड नहीं रहता, इधर से भी आती ईस्ट वेस्ट कहीं से भी ऐसा शुरू हो जाती, इठलाती मीन्स कभी कभी ऐसे गुस्से वाली रहती है, ठीक है, और मुस्काती बूंदे कभी कभी ऐसा जिसको हम ड्रिजलिंग भी कह सकते हैं, बस साइलेंटली गिरते रहती है, सिम 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 ऐसे बारिश गिरते रहती है, लेकिन वो बारिश सारा दिन चलती, और जो इठलाती वाली रहती ना मोटी मोटी बड़े बड़े दाने जो बूंदे रहते हैं, आती भी बहुत जल्दी है और जाती भी बहुत जल्दी है, पट 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 आती है और फिर चले जाती। तो पुरवाई के रथ पर चढ़कर जब विंड्स विंड्स का प्रेशर कभी डाउन कभी हाई रहता है, कभी लो कभी हाई, तो वो कभी जैसी हवा विंड्स का बहुत तेज बहाव रहता है तो बारिश भी उसी हिसाब से होती है, इठलाती मीन्स बहुत चिड़चिड़ टाइप की रहती है, मोटी मोटी बूंदे, हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा, पट 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 गिरते रहती है, और मुस्काती बूंदे मीन्स साइलेंटली चलते रहता है ड्रिजलिंग में, कंटिन्यू सेम एज इन अ इक्वल वे बस गिरते रहती है। तो ये है हमारा हमारी लेसन नंबर टू बूंदे, इसको हमें जो हमारे कवि का नाम है रोहिताशव अस्थाना, हमारे पोएट का नाम है रोहिताशव अस्थाना। तो मैं वापस से ये फिर से एक बार आप लोगों के लिए ये पूरा पोयम पढ़ती हूँ, ठीक है। तो हमारा सेकेंड लेसन पेज नंबर 4 लेसन नंबर 2 उनका नाम है बूंदे। बूंदों का मतलब है ड्रॉप, अ ड्रॉप ऑफ वॉटर, ठीक है, बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। सो ये हमारा पोयम यही खत्म होता है, ठीक है। तो आज आप लोगों को अब होमवर्क नोट डाउन करना है, हमारा जो कवि का नाम है वो रोहिताशव अस्थाना, हमारे कवि का नाम क्या है रोहिताशव अस्थाना, इन्होंने इतनी सुंदर कविता लिखी है। तो मैं आप लोगों से अभी यही निवेदन करती हूँ, आप लोगों से यही रेस्पेक्टफुल्ली बोलती हूँ कि आप ये जो लेसन है, ये जो पोयम है बूंदे, ये आप अपनी नोटबुक में एक बार जरूर लिखें, और होमवर्क ये है कि एक बार लिखने के बाद में आप इसको लर्न करो, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, उसके बाद मैं बाकी का फिर होमवर्क आपको दे दूंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये जो हमारा लेसन नंबर 2 बूंदे हैं अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझा है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वापस से समझा दूंगी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग।